NH-57 पर महादेव चौक के समीप ओवरब्रिज निर्माण को लेकर ओवरब्रिज संघर्ष समिति के द्वारा बुधवार को धरना दिया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश आनंद ने बताया कि यदि अविलंब ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होता है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महादेव चौक के निकट ओवरब्रिज न होने से विशेषकर स्कूली बच्चों को NH क्रॉस करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पूर्व भी इसी जगह कई मौतें हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान केंद्रित करें। मौके पर छात्र छात्राओं ने कहा, ओवरब्रिज निर्माण लाजमी है, अन्यथा प्रत्येक दिन इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी। श्री आनंद ने कहा, आज हम लोग सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मामले को ले जिला पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। धरना में वार्ड पार्षद शशिभूषण झा, संजय अकेला, प्रवक्ता जगदीश झा, सचिव सुमित ठाकुर, परमानंद मंडल, रमेश कुमार, डोमन यादव, मंटू यादव, भरत यादव, मनोज ऋषिदेव आदि उपस्थित थे। घटनाएं हो रही है, कितनी लोगों की जाने जा चुकी है, इससे प्रभावित होकर हम लोगों ने ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष संगठन का समिति का गठन किया है और इसके बैनर तले हम लोग ओवरब्रिज निर्माण की मांग महादेव चौक पर कर रहे हैं। जैसा जो होगा आप लोगों से इसी तरह सहयोग और स्नेह मिलता रहे तो निश्चित रूप से महादेव चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। आज जो जिला धरना दिया गया है इसका क्या उद्देश्य है? अररिया शहर के महादेव चौक पर ओवरब्रिज निर्माण हेतु नवगठित ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महादेव चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण जी। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? हम लोगों ने आज जिला पदाधिकारी अररिया के माध्यम से श्री नितिन गडकरी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के जी, उनको भी ज्ञापन देने का काम करेंगे आज जी। अगर उस पर सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग अगली रणनीति होगी मानव श्रृंखला आयोजन का। आपके प्रवक्ता के द्वारा जी पिछले दिनों ब्यौरा मांगा गया था, दुर्घटनाग्रस्त कितना दुर्घटना हुआ थी जी जी जी। क्या ब्यौरा तो मिल पाया है? नहीं, ब्यौरा तो अभी तक नहीं मिल पाया है, चूँकि RTI में होता है कि 21 दिनों के बाद ही सूचना उपलब्ध कराई जाती है या उसके समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराई जाती है।